तो ये मैप है हमारा, और मैप हमारे पास नक्शा होने से हम रास्ता ढूंढ सकते हैं। अगर हमारे पास नक्शा नहीं है तो किसी से कुछ पूछेंगे, किसी से कुछ पूछेंगे, कोई जिसको जो पता है वो बता देगा, और हम उसी में खोए रह जाएंगे, उसी में हम खोए रह जाएंगे। तो इसलिए हम अपना नक्शा लेकर चलें। और आज का जो पूरा सेशन है दोनों चक्रों का, वो इसी बात पर निर्भर है कि हमें किसी के पीछे आंखें बंद करके नहीं चलना है। जो पत्री जी हमें बता रहे हैं, बी अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, तो हमें स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ही बनना है। आंखें बंद करके किसी के पीछे नहीं चलना, सबका सम्मान करना है, सबका सुनना है, लेकिन अपने अंतरात्मा की आवाज से चलना है, क्योंकि यात्रा हमारी है, दूसरे की नहीं है। और हमारी आत्मा ही जानती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमें लगता है कि शायद कोई आगे वाला बता देगा, उसको ज्यादा समझ है, उसको ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा ज्ञान है, उसको दिखाई देता है, तो वो शायद हमें कोई रास्ता बता दे और शॉर्टकट हो जाए। तो शॉर्टकट कोई नहीं है, आपको अपनी यात्रा पर खुद ही चलना है। आपका अपना GPS आपको खुद ही ऑन करना है, कोई आपका GPS ऑन नहीं कर सकता। और अपना GPS जब आप ऑन करेंगे तो आपको अपने आप से पता चलेगा कि मेरा रास्ता किधर जा रहा है, और परिस्थितियों के हिसाब से फैसले बदल जाते हैं। उसी परिस्थिति में आपको एक काम करना होता है और उसी परिस्थिति में वो नहीं करना होता है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कब करना है कब नहीं करना। वो आपकी अंदर की आवाज बता सकती है कि इस वर्तमान क्षण में मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है। तो इसीलिए हम अपने ऊपर काम करें, और काम करने के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने पर भरोसा करें, अपने ध्यान पर भरोसा करें, अपने पर भरोसा करें कि जो भी अंदर से आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अपने पर भरोसा करना पहली सीढ़ी है। अगर हम अपने पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर हम पता है लेकिन फिर भी पूछते रहेंगे ये ठीक है क्या, ये ठीक है क्या। नहीं, हमें अपने पर भरोसा करना है। आज हम जिस चक्र की बात कर रहे हैं वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा मतलब ऑर्डर देना। जब आप इस चक्र में आ जाते हो, नीचे के चक्र पे काम करके आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज करते करते जब आप अपने छठे चक्र पे आ जाते हो, तो आपका हर वाक्य आज्ञा बन जाता है। जो आपने मुंह से कह दिया वही होने लग जाता है। आपका हर वाक्य आसपास के लिए, यूनिवर्स के लिए एक ऑर्डर हो जाता है, आज्ञा हो जाता है। और जब आपकी आज्ञा से सब कुछ चलने लगता है, आपका पूरा जीवन संतुलित और व्यवस्थित हो जाता है। अभी तक तो हमें पता ही नहीं है, अपने आप सब चीजें जैसे कैसे धक्के से चल रही हैं, लेकिन जब यहाँ पर आके आपका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है, ना तो आप कुछ गलत सोचते हो, ना कुछ गलत बोलते हो, ना आपकी भावनाएं आपकी आपको गिराती हैं। आप अपनी हर चीज को समझते हुए, उसे सही दिशा देते हुए, अपने जीवन का आप स्वामित्व अपने हाथ में ले लेते हो, तो आप अपने मास्टर बन जाते हो। तो जब आप अपने मास्टर बन गए, तो जो वाक्य आपके मुंह से निकलेगा वो सत्य ही होगा। और ये आत्मा का द्वार है, ये जो थर्ड आई है, एक द्वार है जहां से आत्मा सूक्ष्म लोकों में जाती है, चाहे वो ध्यान में जाए, चाहे वो नींद में जाए, ये उसका द्वार है जाने आने का। तो जब ये द्वार खुलता है तो ये उच्च लोकों के रास्ते खोल देता है, उच्च लोकों के द्वार खोल देता है। लेकिन कभी भी हमें यहाँ पर ध्यान केंद्रित करके हम उसको खोलने का प्रयास करें तो वो भूल कभी नहीं करना। क्योंकि अगर आपका घर बहुत पुराने टाइप का बना है और उसमें एसी का वायरिंग नहीं हुआ कि आप एसी लगा सको, और आपने बिना वायरिंग चेंज किए एसी लगवा लिया, तो आप जो पहले लाइट आ रही है वो भी नहीं आएगी फिर। तो हमें जैसे जैसे ध्यान करते हैं, नाड़ी मंडल शुद्ध होता है, जितना जितना नाड़ी मंडल शुद्ध होता है उतना उतना अपने आप एक्टिवेशन होता है। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, और ये कई जन्मों की कहानी है। ऐसा नहीं है कि अभी इसी जन्म में सब कुछ हो जाएगा और बस मैं हो जाऊं, मुझे सब पा लिया, पा सकते हैं, लेकिन पीछे जन्मों की क्या यात्रा है क्या। अगर गौतम बुद्ध को 550 साल लगे और ये उनका आखिरी जन्म था जब वो बुद्ध बने, तो ऐसे ही हम भी यात्रा करते करते आ रहे हैं। कितना किया हमें पता नहीं, पर है हम यात्रा पर ही। इसका एलिमेंट लाइट है। ये जो एलिमेंट है आज्ञा चक्र का और आगे सहस्त्रार का, ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन एनोडिया जूडियत ने इसको लाइट एलिमेंट का नाम दिया। वैसे तो 5 तत्व ही बताए जाते हैं, पर उन्होंने कहा है कि इसका एलिमेंट जो है वो लाइट है। इसका काम है पहचानना कि क्या चल रहा है, उन चीजों को पहचानना, क्या पैटर्न चल रहे हैं,
उनको पहचानना। इशू क्या है इसका कि इंट्यूशन बहुत ज्यादा हो जाना, बहुत ज्यादा कल्पना शक्ति बढ़ जाना, हर समय कुछ ना कुछ देखते रहना, हर समय दृश्य देखते रहना, तो उसी में ही उलझे रहना। कलर इसका इंडिगो है, रीचिंग आउट एंड टेकिंग इन। लोकेशन इसकी है फोरहेड, ब्रो, थर्ड आई। ज्ञान को ग्रहण करना और ज्ञान को फिर बताना, अपने ऊपर अप्लाई करना, दूसरों को बताना। और लोकेशन इसकी है, ये हमारा थर्ड आई चक्र है, दोनों आंखों के बीच भ्रुपटी के मध्य में। आर्किटाइपल, ये जो आइडेंटिटी है इसकी, ये अब मेरी आध्यात्मिक पहचान है, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। और ओरिएंटेशन इसका है सेल्फ रिफ्लेक्शन, यहाँ से स्वनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण शुरू होता है कि मैं किस लिए आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरे जन्म क्यों लिया है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिलने लग जाते हैं। डीमन इसका भी है इल्यूजन्स, कि उसी में ही उलझे रहना, माया जाल इल्यूजन्स में रहना। और डेवलपमेंट स्टेज है जब हम वयस्क होते हैं, जैसे तो 14 साल समझो, 12-14 साल से ये शुरू होता है डेवलप होना, और फिर लाइफ लॉन्ग डेवलप होता रहता है। डेवलपमेंट टास्क है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सनल ग्रोथ, कि हमें अब अपने जो हमारी आइडेंटिटी है, पर्सनल आइडेंटिटी है, उसे हमें एस्टेब्लिश करना है। क्योंकि संसारी तो हमने एस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब खोज करके फिर हमारी वो एक पहचान बनती है। एबिलिटी टू परसीव पैटर्न्स, पैटर्न्स को पहचानना। बेसिक राइट टू सी, देखने का इसका राइट है। बैलेंस्ड होने से इंट्यूटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, गुड ड्रीम रिकॉल, जो भी सपने आते हैं याद रहते हैं, हम पिक्चर्स में सोच सकते हैं, प्रतीकात्मक हमारी सोच होती है, चीजों को विजुलाइज कर सकते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। अब ये जो चक्र है देखो, यहाँ भी इम्यूनिटी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ये मणिपुर से चल रहा है इम्यूनिटी सिस्टम, और ये आगे के सभी चक्रों में चल रहा है साथ साथ। तो जैसे अगर आपने घर बनाना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में घर का शब्द आने से पहले एक चित्र आता है कि मुझे ऐसा घर चाहिए, फिर उसे आप घर का नाम देते हो। तो ये थर्ड आई का इसका काम है कि उस चित्र को, उस नक्शे को बनाकर उसे नाम देना। और जब आपके सामने एक नक्शा होता है कि मुझे ऐसी चीज चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो वो आप फिर उस पर काम करने लग जाते हैं। मान लो आपको ड्रेस ही बनानी है, तो ड्रेस आप जब लेते हो, पहले आपके दिमाग में एक आइडिया होता है, एक कल्पना होती है कि मेरा ड्रेस कैसा बनेगा, कैसा कलर होना चाहिए, कैसा डिजाइनिंग होना चाहिए, फिर वैसा कपड़ा आप ढूंढते हो और फिर वैसा आप डिजाइनिंग कराते हो। क्योंकि वो पहले हर एक चीज इस सृष्टि में दो बार बनती है, पहले किसी के दिमाग में बनती है जो सोचता है, फिर वो चीज बाहर आती है। जैसे अगर राइट ब्रदर्स ने सोचा एरोप्लेन बनाने का कि उड़ा जा सकता है हवा में, लेकिन पहले उनकी सोच थी, लोगों ने मजाक उड़ाया ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो हो गया, करके दिखाया। जितना भी हम वैज्ञानिक खोज देख रहे हैं, पहले किसी के मन में आई और फिर उस पर काम करते 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 वो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो गई। तो ये जो चक्र है, 90% हम जो सीखते हैं वो हमारा विजुअल होता है। अगर मैं अभी अपना कैमरा बंद कर दूं और मैं आपको पूरा सेशन दे दूं, तो आपको 70% चीजें समझ ही नहीं आती, क्योंकि आप मुझे देख रहे हो, मेरे हाव भाव देख रहे हो, एक एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है, तो आपको एक्सप्रेशन से ज्यादा समझ में आता है। तो 90% हम देख कर सीखते हैं। और जब ये थर्ड आई ओपन होता है, तो चारों तरफ से आपके पास इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है, आपके पास विजन आने शुरू हो जाते हैं, और ऐसा जैसे बिल्कुल एक द्वार खुल गया है और वो बारिश की तरह वो बरस रहा है। ओपनिंग द थर्ड आई चक्र अलाउज द डॉट्स एंड असेंबलिंग इंफॉर्मेशन। जब अभी हमारे बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो व्यक्ति मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं कर रहा, बार बार मुझे बिजनेस में घाटा क्यों हो रहा है, ये सब चीजें हमारे मन में जो चलती रहती है नीचे के चक्रों में, यहाँ पर आकर वो सारे डॉट ज्वाइन हो जाते हैं और हमें वो अंदर से ही पता लगने लग जाता है, उत्तर मिलने लग जाता है। हम सुना है कर्म सिद्धांत, लेकिन यहाँ पर आके हमें सही मायने में वो समझ आने लगता है कि ये धागे कहाँ जुड़े हुए हैं, कैसे ये चीजें मेरे जीवन में चल रही हैं। तो फिर आप उन चीजों को समझकर उनसे चिपकना बंद कर देते हो, तो ये डॉट्स को ज्वाइन कर देता है। और जैसे ही आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है, तो ये आपके लिए उच्च लोगों के द्वार खोल देता है। अटैचमेंट इसका,
ये जो हमारा चक्र खुलता है, हमें विजन्स आने लग जाते हैं, तो फिर हमारी अटैचमेंट हो जाती है। अब ध्यान में बैठे, अगर विजन नहीं आया तो आपको लगेगा ध्यान अच्छा नहीं हुआ। वो उस चीज से अटैच हो जाते हैं बहुत ज्यादा। जब बहुत विजन्स आने लग जाते हैं तो हमें लगता है कि जिस दिन विजन नहीं आया उस दिन ध्यान अच्छा नहीं हुआ, तो वो अटैचमेंट हो जाती है, उन विजन से भी अटैचमेंट हो जाती है। इसका डीमन होता है इल्यूजन। इल्यूजन मतलब आप इतने ज्यादा उस अवस्था में रहना शुरू करते हो, दृश्य आ रहे हैं, ये सब आ रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब तो वो सही है और कब आपके माइंड ने उस चीज को क्रिएट कर दिया है। क्योंकि हमारा मन जो है वो जो चाहे वो बना सकता है। तो कई बार हमें जो मैसेजेस आते हैं उसमें मिलावट हो जाती है, हमारा जो मन है वो भी क्रिएट करना शुरू करता है। लेकिन अगर हमारा अपने विजन के साथ में बहुत अटैचमेंट है कि मुझे तो ये दिखता, मुझे तो पता चल गया, तो फिर वहां पर हमारा माइंड जब प्ले करता है बीच में, तो हमें समझ नहीं आती और हम उस इल्यूजन में ही रह जाते हैं। और कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, तो फिर हमें लगता है कि शायद हमें गलत दिखा, या हम उदास हो जाते हैं कि मुझे तो ऐसा दिखा, ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन इसीलिए पत्री सर कहते हैं, नो एनालाइज ऑफ मेडिटेशन एक्सपीरियंस, डोंट एनालाइज योर ड्रीम एक्सपीरियंस, डोंट एनालाइज योर लाइफ एक्सपीरियंस, क्योंकि आप नहीं जान सकते हो। हो सकता है मास्टर से आपकी परीक्षा ली हो, आप अब परीक्षा में क्या करोगे। हो सकता है आने वाला समय आपको दिखाई दिया हो, लेकिन जिसके बारे में आपको दिखाई दे रहा है उसने कोई गुण कर्म है, उसका सामने आ गया और वो बात टल गई, तो आपको लगेगा ये दिखा तो ये था और ये कैसे हो गया। और अगर आपने वो चीज पहले बता दी तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है। तो ये जो इल्यूजन है ये एक ठहरे हुए पानी की तरह है, ठहरी हुई इमेज है। हमें लगता है बस जो देख लिया वही सत्य है और हम अपनी दृष्टि को और चीजों से बंद कर लेते हैं और यहाँ भी हम उलझ जाते हैं। माई अटैचमेंट विट पुल्स मी आउट ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। मुझे ये दिख गया बस उससे मैं अटैच हूं और मैं क्या फ्यूचर में चली गई, तो मैं अब प्रेजेंट मोमेंट में मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरी ड्यूटी है, उससे हट जाती हूँ कि मुझे तो पता ही है। मान लो मुझे पता चला कि मेरे, जैसे मुझे पता चला मेरे फादर एक्सपायर होने वाले हैं, वो बॉडी वेकेट करने वाले हैं और इतने दिन बचे हैं, सही में पता चला। और मैंने सोचा कि अब उनको तकलीफ थी और उनको हॉस्पिटल लेके जाना था। अब मैं ये सोचूं कि मुझे तो पता चल ही गया इन्होंने बॉडी वेकेट करना है, तो हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत, वो गलत हो जाएगा। प्रेजेंट मोमेंट में रह के क्या करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कि जो मुझे दिखाई दिया है। और फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि मुझे जो मैसेज आया, मुझे यही पता चला कि 10 days, और मैंने सब कुछ देखा कि 10 days है, मैंने दिन काउंट करने शुरू कर दिए, 10 दिन हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, 13 हो गए, तो मुझे अपने आप पे लगा कि ये क्या हो, क्या मेरे सही नहीं दिखा, क्या मैंने क्या कल्पना की है क्या, क्योंकि जो दिखा है वो तो दिखा तो बिल्कुल सही था, पर ये तो कुछ और हो रहा है। फिर वो घर आ गए ठीक होकर थोड़ा, और फिर उनको फिर तकलीफ हुई और फिर उनको हॉस्पिटल लेकर गए, तो 15-20 दिन 22 दिन वो रहे हॉस्पिटल में और उन्होंने बॉडी वेकेट कर दी। तो जब पत्री जी से मैं मिली तो मैंने पत्री जी से पूछा, सर ऐसा ऐसा हुआ है तो क्या मुझे गलत दिखा है या मेरी वो कल्पना थी। जब मुझे साफ दिख गया तो फिर वैसा तो हुआ नहीं। तो सर ने मुझे यही बोला कि उस चक्कर में आपको पड़ना ही नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर आपको क्या करना चाहिए था बस आपको वही करना है। ये मास्टर्स ही जानते हैं क्या होगा, कैसे होगा, उस सोल का क्या प्लान है, क्या वो अभी उसका बच गया है असाइनमेंट का और वो करने चाहती है। हो सकता है उन्होंने मास्टर से टाइम मांगा, बहुत सारी हजारों चीजें काम करती हैं। लेकिन अगर मैं फिक्स हो जाऊं कि नहीं मुझे जो दिखा वही सत्य है, तो शायद मैं कहती कि हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत ही नहीं, जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार ऐसे ही लगता था ऐसे ही जा रहे हैं पहुंचेंगे नहीं। मुझे यही लगता था भाग तो रहे हैं लेकिन ये पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी काउंटिंग में लगी थी लेकिन वैसे नहीं हुआ। तो कई बार मास्टर्स हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम उस चीज को जो उन्होंने हमें बताया है पचा सकते हैं अपने अंदर की नहीं पचा सकते। लेकिन मैंने किसी से बात नहीं किया, किसी को नहीं कहा कि ऐसा होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो मास्टर हमें बताते हैं उसमें हमारी परीक्षा होती है कि हम अपने अंदर रख भी सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो इसलिए हमें जो भी दिख रहा है, इसीलिए पत्री सर कहते हैं कि एनालाइज मत, ऐसा क्यों दिखा, वैसा क्यों दिखा, ऐसा हुआ तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मास्टर्स हमारी परीक्षा लेते हैं और इन चीजों को पचाना बहुत कठिन होता है। आपको लगता है थर्ड आई ओपन हो जाएगी, वाह वाह बहुत सुंदर सुंदर चीजें दिखेंगी, और जब आपको ये चीजें दिखनी शुरू होंगी, क्योंकि दोनों चीजें साथ चलेंगी, आप ये मत समझो कि सब अच्छा अच्छा दिखेगा और ऐसी कोई चीज नहीं दिखेगी। आपको ये पता चल जाए कि आने वाले समय में ये होने वाला है घर में, तो आप खाना पीना भूल जाओगे। तो इसलिए जो हो रहा है उसे स्वीकार करो और ज्यादा इन चीजों के पीछे मत लो। और अगर हो रहा है आपको दिख रहा है तो भी चुप रहना है। व्हेन इल्यूजन इज फेड बाय द सिक्स चक्र एक्सेस ऑब्सेशन,
जब सिक्स चक्र इतना ज्यादा इल्यूजन आपको अंदर आ जाता है तो आप ऑब्सेसिव हो जाते हो उस चीज के लिए. अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड ऑन विजन, वो आपने अपनी एनर्जी को उस विजन पे फिक्स कर लिया कि ऐसा तो होना ही होना है, ये तो मुझे दिख गया. तो अब यहाँ भी आपने अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर लिया क्योंकि आप अब यूनिवर्सल फ्लो के साथ नहीं बह रहे हो. आपको लग रहा है कि मैं कुछ हो गया हूँ और मुझे जो पता चला है वही होगा, जबकि ऐसा नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. इट इज मेटाफोरिकली स्टेन्ड ग्लास विंडो, कॉन्शियसनेस शाइन्स एंड प्रोजेक्ट्स द इमेज. ये एक ऐसा शीशा है जिसमें आपके विजन्स आते हैं, आपकी चेतना जो ऊपर से आती है और इस शीशे के माध्यम से चमकती है. जैसे हमारे अगर शीशा हरे रंग का हो तो सब कुछ हरा दिखाई देगा, लाल हो तो सब कुछ लाल दिखाई देगा. इसी तरह हमारा ये थर्ड आई चक्र कितना क्लियर है वैसा ही हम देखते हैं. ये नहीं है कि जो मास्टर हमें दिखा रहे हैं हम वो देख रहे हैं, हम जो देखना चाहते हैं हम वो देखते हैं. यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप बिल्कुल शून्य स्थिति में हो, आपका किसी से कोई वैर विरोध कुछ नहीं है और आप जो मास्टर दिखा रहे हैं केवल वही देख रहे हो तो आप सही देख रहे हो. लेकिन अगर आपके मन में किसी के प्रति कुछ वैर द्वेष भावना है, कुछ आपके अंदर अभी बहुत काम चक्रस का अभी करना बाकी है, आपका ये विजन क्लियर नहीं है, तो आप वही देखोगे जो आप देखना चाहते हो. वो जो चेतना आएगी ये आपका फिल्टर है, यहीं से तो फिल्टर होके आएगी. और जब यहाँ से फिल्टर हो जाएगी तो जैसी आपकी अवस्था है, जैसे आपके मन में विचार चल रहे हैं, जैसी आपकी समझ बूझ है, वैसा ही आप देखोगे और आप इमेजेस को प्रोजेक्ट करना शुरू करोगे. अगर एक्सेस आपका ये ओपन हो जाता है चक्रा, तो बहुत ज्यादा इमेजेस, बहुत ज्यादा मैसेजेस आने लग जाते हैं, तो आपको ऊपर से मिलता तो बहुत कुछ है लेकिन वो नीचे धरती पर नहीं आता क्योंकि नीचे के एनर्जी जा ही नहीं रही, मैनिफेस्टेशन नहीं होता. ये ऐसा ही एक गाड़ी है जिसमें क्लचेस नहीं है तो भागती चली जा रही है, लेकिन उसको रोकने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए ब्रेक भी चाहिए, क्लच भी चाहिए. और सेल्फ एनालिसिस, अब यहाँ पर एक बहुत गहन बात है कि आपको बहुत सारी बुक्स में ऐसा है बट मैंने ये थोड़ा अलग से लिया है टॉपिक. कर्मा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग कर्मा क्रिएट होते हैं. आप छोटी मोटी संसारिक बातों में किसी का बुरा किया, कुछ किया तो कर्मा बनता है, लेकिन जब थर्ड आई से आपको जो दिख रहा है और उसमें मैनिपुलेट किया, वो मैसेज सही नहीं दिया, किसी को डोमिनेट किया, किसी को राह से भटकाया, गलत मैसेज चला गया, तो वो जो कर्मा क्रिएट की होता है वो आपको जन्मों जन्मों तक नहीं छोड़ता. क्योंकि एक बंदा आपके ऊपर इतना भरोसा करके, आपको मास्टर, थर्ड आई मास्टर समझ कर आपकी बात सुन के मान रहा है और आपके मन में कुछ और चल रहा है, आप अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस के लिए, अपनी ईगो के लिए, अपनी चीजों को प्रूव करने के लिए, ये मुझे दिखता है ये तो ऐसा ही होगा, और उस बंदे ने, उस व्यक्ति ने आपकी बात मान ली और वैसा नहीं हुआ, तो आपका बहुत स्ट्रांग कर्मा क्रिएट होता है. इसमें फकीर बुक में एक एग्जाम्पल दी है साई बाबा ने कि मान लो आपको दिख गया कि एक व्यक्ति आपके पास आता है, आप उसकी एनर्जी रीड करते हो और आपको पता चलता है कि वो कहता है कि मुझे ये बिजनेस बंद करके नया बिजनेस शुरू करना है. अब चलता हुआ बिजनेस है, वेल सेटल्ड बिजनेस है, लेकिन उसने आपको कहा कि मुझे ये बिजनेस बंद करके नया बिजनेस शुरू करना है. आप थर्ड आई से आप आगे फ्यूचर देख के बताओ कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा कि नहीं. अब अगर आप क्या क्लियर नहीं है चैनल और आपका ध्यान है कि इसको बताने से ये बहुत पैसे देगा, ये सब करेगा, आपका चैनल क्लियर नहीं है तो आपको जो दिखाई देगा वो भी क्लियर नहीं होगा. और आपने अगर उसको कह दिया, आप में से कोई एक एग्जाम्पल है उसमें दिया हुआ कि आपने कह दिया कि हाँ आप ये बिजनेस बंद करके दूसरा चला लो, खोल लो, मुझे दिख गया आपका बहुत बिजनेस चलेगा, बहुत आपका अच्छा चलेगा, और उस व्यक्ति ने बिजनेस बंद कर दिया और नया बिजनेस खोल लिया और नया बिजनेस नहीं चला, तो उस व्यक्ति ने अपनी जीवन भर की पूंजी आपके कहने से नए बिजनेस में लगा दी और पुराने बिजनेस में जो लोग काम कर रहे थे उन सबके घर परिवार, उनका रोजी रोटी चल रही थी, वो सब खत्म हो गया. तो कितनी आत्माओं को कष्ट पहुंचाया सिर्फ एक इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि मुझे दिख गया है आप अपना बिजनेस चेंज करो. तो इसीलिए पत्री सर कहते हैं नो हीलिंग, अपना काम खुद करो, दूसरे के पीछे नहीं जाना. और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, कई एग्जाम्पल्स हैं. और आपको नहीं पता कि जो दिख रहा है, जिसे जो थर्ड आई मास्टर है, जिसे आप सीनियर समझ रहे हो, उसके लाइफ के क्या लेसन है आपको नहीं पता, लेकिन उसके लाइफ के भी लेसन है कि वो उन शक्तियों को कैसे हैंडल करता है. लेकिन आपको अपने अंदर की आवाज सुननी. अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए, मैंने पहले भी शेयर किया, तो आप सॉफ्टली बोल सकते हो कि मेरे अंदर से नहीं आ रहा, मैं नहीं ये कर सकता.
तो आप अपने अनुभव से सीखोगे, और अगर दूसरे के पीछे लग के आपसे गलती हो जाती है तो आप फिर पश्चाताप करते रहोगे कि मैंने इसकी बात क्यों मानी, तो फिर आप और नीचे चले जाओगे। तो इसलिए हमें एनालाइज नहीं करना है चीजों को, आंखें बंद करके किसी के पीछे नहीं जाना। और एक बार मैं, मुझे बहुत ये लगता था कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, गलत हुआ मतलब मुझे बहुत लगता था कि मेरे घर में सभी इतने थर्ड आई मास्टर थे, सब था और इतनी सब ग्रोथ कर रहे थे, और मेरे साथ ही किसी की ट्यूनिंग क्यों नहीं होती थी, क्यों मुझे ही बार बार रोना पड़ता था, और मुझे जब भी उनको कुछ मेरा दिखता था कुछ गलत ही होता था, तो मुझे लगता था कि ये क्या है, तो मैं क्यों क्यों मैंने ऐसे घर में जन्म ही क्यों लिया, जब मेरा यहाँ पे कोई है ही नहीं, मेरा कोई काम ही नहीं है, मुझे रोने के लिए आई हूँ क्या। तो मुझे बहुत ये लगता था कि, और फिर बाद में जब सब खत्म हो गया, सब मैं अपना जॉब करने लग गई, तो मुझे लगता था कि ये सब बेकार की चीजें, इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, और मुझे बहुत गुस्सा आता था कि इन लोगों के साथ में रहके मैंने जिंदगी अपनी ऐसे ही कर ली, बीच में अटका ली अपनी जिंदगी। फिर जब ध्यान में आई और ध्यान करते करते पता चला कि जो भी होता है आत्मा का प्लान होता है, ये सब चीजें समझी तो क्षमा करना चाहिए, तो मैंने क्षमा करना शुरू कर दिया, और सही में दिल से क्षमा कर भी दिया, कर दिया उन चीजों को भूल के, उनसे क्या क्या लेसन लिख सीखे, आज मैं जहाँ खड़ी हूँ उसी वजह से खड़ी हूँ, सब मैंने जान लिया समझ लिया, और मेरे मन से वो सारी बातें भी निकल गई। लॉकडाउन के टाइम पे मैं फिर भी, मुझे कहीं ना कहीं एक लगता था कि इतना इतना ज्यादा क्या हो, तो लॉकडाउन के टाइम पे मैं डॉक्टर न्यूटन का एक सेशन अटेंड कर रही थी, उस टाइम पे बहुत सेशन होते थे, तो उसमें डॉक्टर न्यूटन ये सब चीजें बता रहे थे, और एक सेशन में उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो था वो डॉक्टर बना इस लाइफ में, और आंखों का डॉक्टर बना, और वो फ्री में लोगों के ऑपरेशन करता था, और बहुत अच्छे ऑपरेशन करता था, और लोग उसको कहते थे कि ये इतना पढ़ लिख के अगर फ्री में ही काम करना था तो फायदा क्या हुआ, लेकिन उसकी अंतरात्मा की आवाज यही थी कि मुझे फ्री में करना है। वो अपना कंसल्टेशन करता था, लेकिन वो जो ऑपरेशन करता था वो अपने पास से लोगों के लेंस लगा के फ्री में ऑपरेशन करता था, तो वो उस घर वाले भी कहते थे कि ये क्या पागलपन है, तो उसके मन में आया कि चलो मैं डॉक्टर न्यूटन के पास जाके पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराता हूँ, तो उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसे पता चला कि पिछले जन्म में वो एक राजा था, और उसने जो भी लोग उसका विरोध करते थे या जो भी कुछ ऐसा राज में चीजें होती हैं, तो उन लोगों को वो कैद कर लेता था और उनकी आंखें निकाल देता था, और वो लोग तड़पते तड़पते मर जाते। अब उस अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए इस लाइफ में वो लोगों की आंखों के ऑपरेशन कर रहा है, तो उस समय डॉक्टर न्यूटन ने ये बताया कि आपने जिस लेवल का किसी को कष्ट दिया है ना, उसी लेवल का कष्ट वापस आएगा। तो उसमें उन्होंने एक एक चक्र के बारे में बताया, अगर मूलाधार पर हो आप और आपने किसी को मारा है, नुकसान किया है, छीन लिया है, तो आपसे भी कोई छीन के ले जाएगा। स्वादिष्ठान के स्तर पर अगर आपने किसी का मन दुखाया है तो आपका भी मन दुखाया जाएगा। और मणिपुर के चक्र में आता है, आपने किसी के परिवार को तोड़ा है, क्योंकि वहां पे हमारी एक सोशल आइडेंटिटी बननी शुरू होती है अनाहत चक्र में आते आते, और अगर आपकी वजह से किसी के परिवार का बहुत नुकसान हुआ है तो आपका भी वैसा ही होता है, क्योंकि आपको वो कर्मा पे करना है। और फिर डॉक्टर न्यूटन ने बताया कि अगर आपके बोलने की वजह से, जैसे हम कुछ ऊटपटांग बोल देते हैं और किसी के घर में झगड़ा हो गया, तो आपके साथ वैसी ही एनर्जी आपको वापस मिलेगी, और अगर आपने अपने थर्ड आई की पावर को यूज करके किसी को नीचा दिखाया, गलत मैसेज दिया, उसका दुरुपयोग किया शक्तियों का, तो अगले जन्म में आपको वही एनर्जी वापस मिलेगी। तो मैं एकदम से उठ के बैठ गई, ये जरूर यही मैंने किया है, तभी मेरे साथ इतने साल ऐसा हुआ है। तो इसलिए थर्ड आई एक्टिव होना बहुत जरूरी है, वो अपने आप होएगी, उसमें बहुत सारी चीजें हैं आपको पता चलेंगी, लेकिन यहाँ पर परीक्षा बहुत सख्त है, बहुत सख्त परीक्षा है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जिसको पता नहीं है वो चोरी करता है ना, तो छोड़ दिया जाता है कि कोई बात, इसको कुछ समझ नहीं है, इसको पता नहीं है, लेकिन जिसको पता हो, अगर कोई पुलिस इंस्पेक्टर, कोई आईएएस ऑफिसर गलती करे तो उसे नहीं छोड़ा जाता। तो यहाँ आके आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हो, फिर आपसे ये अपेक्षा ही नहीं की जाती कि आप कोई गलती करो, और फिर अगर आप गलतियां करते हो तो आपके बहुत स्ट्रांग कर्मा बनते हैं, और जब बहुत ज्यादा थर्ड आई खुल जाता है तो इनसेंसिटिव हो जाते हैं, हमें दूसरों की संवेदनाओं की कोई परवाह नहीं होती है, जैसी चीजें हैं हम वैसा नहीं देखते, हम अपना रंग भर के उसमें देखते हैं। इल्यूजन होल्ड अस इन द प्लेस बाय साइकिक व्हेन वी फिक्स्ड ऑन इमेज, बस हमने जो देख लिया उसी पे फिक्स हो जाते हैं और उसी में अपनी पूरी एनर्जी को डालते रहते हैं। जितना हम अपने उस विजन से अटैच होते हैं उतना हम अपनी एनर्जी उसमें
इन्वेस्ट करते रहते हैं, और एक होता है ना डार्क ब्लाइंडनेस होती है, यहाँ लाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, इतना ज्यादा दिख रहा है कि उससे ही ब्लाइंडनेस हो गई है, और फार साइटेड दूर दूर का देख रहे हैं कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा, लेकिन सामने जो चीज है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर हम दूर दृष्टि तो मिल गई, लेकिन जो रियलिटी है वास्तविकता है उससे कोसों हम दूर हैं। और जब ये थर्ड आई एक्टिवेशन होता है तो ये आहा मोमेंट होता है कि वाव, आप जिस दुनिया को आप एक एक नजरिए से देख रहे थे, अभी अचानक आपकी नजर बदल गई और आपको सब में ही ईश्वर दिखाई देने लगा, आपकी दृष्टि ही बदल गई। तो वो आपके लिए एक आहा मोमेंट है कि दुनिया में रहते हुए आप दुनिया से ऊपर हो। तो यहाँ तक ड्वेलिटी रहती है, द्वैत यहाँ तक रहता है, यहाँ भी अगर यहाँ पर पहुंच कर भी हम द्वैत में रह सकते हैं। हमें आत्म ज्ञान तो हो गया, थर्ड आई भी ओपन हो गई, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, और जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा हम द्वैत में रहेंगे। तब हमें सब में परमात्मा नजर नहीं आता, अभी भी जिन लोगों से हमारे संबंध अच्छे नहीं है हमें उनमें परमात्मा नजर नहीं आता, क्योंकि द्वैत है। और जब हमें आगे और आगे बढ़ेंगे और आगे के चक्र में जाएंगे तो वहां जाके फिर द्वैत खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ थर्ड आई चक्र तक भी द्वैत रहता है। लेकिन आहा मूवमेंट हमारी लाइफ में आते रहते हैं और इंट्यूशन बढ़ जाती है। जैसे खाली ये ही नहीं है कि दिखना ही है, जरूरी नहीं कि हर एक को दिखाई दे, इंट्यूशन से पता चलता है। जैसे बहुत ज्यादा अंधेरा है और किसी ने माचिस की तीली जला दी और प्रकाश में बहुत सारी चीजें दिख गई, आपको पता चल जाता है इससे बाहर कैसे निकलना है इस समस्या से। क्लियर वॉइस दिखाई देता है जिनको, क्लियर सेंटियंस, संवेदनाएं, अनुभूतियां, आप जहां बैठे हो आपको अनुभूति वैसी आती है वहां पर, उससे आपको पता चलता है, आपको अपनी बुद्धिमत्ता से पता चलता है, आपको सुनाई देने लग जाती है चीजें। ये सारे थर्ड आई का पार्ट है, खाली थर्ड आई का पार्ट देखना ही नहीं है, ये सारे थर्ड आई के पार्ट है। किसी को सुनाई देता है, किसी को दिखाई देता है, किसी को वैसे ही समझ आ जाती है, और किसी को इंट्यूशन से समझ आती है, किसी को चलते फिरते ऐसे ही अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो ये सारे थर्ड आई के पार्ट है, हमारे दृश्य दिखाई देते हैं, और ड्रीम्स में कई बार हमें मैसेज मिल जाता है कि क्या करना है, और ये चक्र हमारे अवचेतन मन को दर्शाता है। अब चेतन मन में जो भी छुपा हुआ है वो सब जब हम इस चक्र में पहुंचते हैं, वो सारे पैटर्न जो दबे हुए हैं वो सामने आने लगते हैं, और हम उन्हें फिर बदलने का प्रयास करते हैं अपनी आत्मों को कि हमें इन्हें बदलना है। वो सब अनकॉन्शियस में जो भी बैठा हुआ है, डर है, फोबिया है, गिल्ट है, शेम, जो भी डीमन बैठे हुए हैं, वो यहाँ आते आते सामने आने लग जाते हैं और हम उन पर काम करने लग जाते हैं। यहाँ तक ड्वेलिटी होती है। लेकिन जो सातवां चक्र है वो चेतना का, वो यूनिवर्सल, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का चक्र है। वहां पर हमारे माइंड का कोई काम नहीं है, वो नो माइंड स्टेट है। यहाँ तक माइंड चलता है साथ में, लेकिन जब आप बिल्कुल शून्य स्थिति में चले जाते हो, सुन्न हो जाते हो, तो वो चेतना का, ब्रह्मांडीय चेतना का वो एक क्षेत्र है जहां पर आपके मन का कोई काम नहीं है, वहां आप शून्य हो जाते हो। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेवंथ जो चक्र है, सहस्रार है, यहाँ से सारे आपके शरीर का संचालन होता है। यहाँ पे नॉन ड्वेलिटी है, यहाँ पे फिर कोई द्वैत नहीं है, यहाँ पे आपकी नजर एक हो जाती है, आपको अपना बेगाना, मान अपमान, अच्छा बुरा, आपके लिए कुछ नहीं रह जाता, सब चीजें एक अनुभव है, एक एक सीख है कि सीख रहे हैं हम। और यहाँ पर पहुंचते एक ऐसा द्वार खुलता है कि जैसे बहुत अंधेरे के बाद एकदम से आपकी आत्म जागृति हो गई। जैसे बहुत लोग अपनी तकलीफों से जूझते जूझते ध्यान में आ गए और बहुत तेजी से आगे बढ़ गए, या किसी ना किसी समस्या से आ गए, तो जैसे डार्कनेस के बाद जैसे एक अवेकनिंग हो जाती है। जैसे कोई भी चीज जो होती है वो डार्कनेस में ही बनती है, किसी भी चीज की उत्पत्ति अंधेरे में ही होती है। तो यहाँ से जो अंधेरे से जब हम बाहर निकलते हैं तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है। और अगर हम अपने ही अपने में मस्त हैं कि मुझे दिख गया, मुझे पता है, मुझे ज्ञान हो रहा है, सब अपने ही गुण गा रहे हैं, तो सारे जो हमारे जो ये डिस्क है, ये जो थर्ड आई चक्र है, ये जो हमारा सहस्रार चक्र है, ये डिस्क ब्लॉक हो जाती है। तो आप कुछ भी नया ना सीख सकते हो, ना सोच सकते हो, ना कर सकते हो, आप अपने में ही मस्त हो, बस अपने ही गुणगान गाए जा रहे हैं। डेवलपिंग अवेयरनेस, हमें अपने बिलीफ सिस्टम से, जो हमने हमारी बचपन से कंडीशनिंग हुई है, जो हमने जाना है, उससे बाहर आके अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है और ध्यान करना है। और जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे, धीरे धीरे अपने ऊपर काम करेंगे, तो हमारी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। और अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, जैसे हम डेली देख रहे थे
कि एक्सेल शीट में हम देखते हैं कि हमारे ये चक्र का क्या सिस्टम है और कैसे हमें समझ में आएगा। इमेजिनेटिव आ गया चक्र, इमेजिनेशन आपकी जो है इतनी ज्यादा हर कल्पना लोक में रहना, जिसे कहते हैं कि कल्पना लोक में ही रहना, वास्तविकता से कोसों दूर रहना। आप सोच सकते हो, सिंबल्स में सोच सकते हो, मेमोरी बहुत होती है आपको, गुड विजुअलाइजेशन, अच्छे से आप चीजों को, अगर जैसे अभी एक कोई विजुअलाइजेस कराया जाए, कोई गाइडेड मेडिटेशन कराया जाए, तो बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छे से वो पिक्चर्स के साथ साथ चलते रहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि बताने के बाद भी हमसे विजुअलाइज नहीं हो रहा है। तो ये हर एक का अपना अलग अलग होता है। इंट्यूटिव इसकी स्ट्रेंथ है कि आप बहुत इंट्यूटिव होते हो, अचानक आपको अंदर से इंट्यूशन आती है। परसेप्टिव, आप चीजों को परसीव करना शुरू करते हो। गुड मेमोरी, गुड ड्रीम रिकॉल, जो भी सपने आते हैं उस सपने में क्या मैसेज है वो आपको पता चलता है। एबल टू थिंक एंड विजुअलाइज, आप जो दिख रहा है उससे हटके सोच सकते हो और उससे अलग चीजों को विजुअलाइज कर सकते हो। आपको दिख रहा है कि ये हो ही नहीं सकता, लेकिन आपके अंदर इतनी एबिलिटी, इतनी योग्यता, इतनी एनर्जी है कि जो नहीं हो सकता वो भी आप सोच सकते हो और उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। हेलुसिनेशन, वही अपने कल्पना लोक में रहना कि बस मुझे तो ये सब पता चल गया, दिख गया। डिल्यूजन्स, उसी में घूमते रहना, भ्रम में रहना। ऑब्सेशन, अपने ही से ऑब्सेस रहना। डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, ऐसे व्यक्ति जिनको बहुत ज्यादा खुल जाता है वो एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकते, एक काम पकड़ा फिर दूसरा पकड़ा फिर तीसरा पकड़ा, वो काम कर ही नहीं सकते। जहां पर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए बैठना, क्योंकि वो इतने उनको विजन आ रहे हैं, कभी इस विजन के साथ कभी इस विजन के साथ, तो वो नहीं कर सकते काम। डे ड्रीमिंग, दिन में ही सपने देखते रहना, तो ये एक्सेस है। और इसको बैलेंस फिर कैसे करना है वो देखेंगे। इनसेंसिटिविटी, अगर ये चक्र आपका खुला नहीं है सही तरह से, इसमें अभी ऊर्जा रुकी हुई है, तो आपको दूसरे की संवेदना, आपको ये दिखा, आपने बता दिया, उससे दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, आपकी बात से उसके मन में क्या हुआ, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने बस अपना थोप दिया कि मुझे दिख गया ये हो गया, आपके साथ ये होने वाला है, लेकिन उससे उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा उससे कोई लेना देना नहीं है। डिफिकल्टी सीइंग फ्यूचर, फ्यूचर देखने में बहुत डिफिकल्टी होती है, आपको लग रहा है बस जो दिखा वही सही है, उससे अलग कोई फ्यूचर हो सकता है वो सोच ही नहीं सकते। पुअर विजन, आंखों की समस्याएं हो जाती हैं। पुअर मेमोरी डेफिशिएंसी, लैक ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिन ही नहीं कर सकते चीजों को, लैक ऑफ विजुअलाइजेशन। पुअर ड्रीम रिकॉल, ड्रीम्स को रिकॉल नहीं कर सकते। माल फंक्शन, फिजिकल बॉडी में इसका क्या इफेक्ट, हेडेक्स होते हैं, माइग्रेन होता है, विजन प्रॉब्लम होती है, ये फिजिकल जो ऊपर के आंखों से संबंधित, हेड से संबंधित समस्याएं हैं वो फिजिकल बॉडी पे आ जाती हैं। और हीलिंग अप्रोच, क्रिएटिव काम करना है, विजुअलाइज करना है, कुछ आर्ट करना है, मेडिटेशन करना है, कलरिंग, कुछ कलर थेरेपी कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, ड्रीम के ऊपर काम करना, ड्रीम का जर्नल लिखना, और कनेक्टिंग इमेज विद फीलिंग, जो आप देख रहे हो उसे भावनाओं से जोड़ना, और गाइडेड विजुअलाइजेशन कर सकते हो। अगर आपसे विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो आप गाइडेड मेडिटेशन करके उन चीजों को विजुअलाइज करना सीख सकते हो, क्योंकि जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे, आपने एक घर बनाना है लेकिन आपके पास उसका नक्शा नहीं है, अपने दिमाग में एक आइडिया नहीं है कि मुझे कैसा घर चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ के कहो कि ये जगह है जैसा चाहिए वैसा बना दे, तो बोलेगा आपको क्या चाहिए। तो हमें पहले एक रियलिटी जिसको हम क्रिएट करना चाहते हैं उसका एक पिक्चर होना चाहिए कि क्या चाहिए क्या हम। तो हमें अवेयरनेस को डेवलप करना है, इसके डीमन को, इल्यूजन्स से बाहर आने के लिए अवेयरनेस को डेवलप करना है, चीजों को अलग अलग एंगल से देखना शुरू करना है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुदरत कुछ भी कर सकती है, मेरी सोच, मेरी जो पात्र है वो छोटा है बहुत, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियां कुछ भी कर सकती है। ग्राउंडिंग करनी है आपको अपनी, अगर बहुत एक्सेस में है तो ग्राउंडिंग करनी है, ड्रीम वर्क करना है कि आपके सपनों से आपको क्या मैसेज मिलते हैं। और अगर आपकी मेमोरी बहुत वीक है तो आप अपने डे को रिवर्स ऑर्डर में रात को सोने से पहले उसको रिकॉल करना शुरू करो कि सबसे पहले आपने सोने से पहले क्या काम किया, उसके बाद क्या किया, और रिवर्स ऑर्डर में रात से शुरू होकर दिन की तरफ जाओ। तो आप जब थोड़े दिन इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो मेमोरी जो है वो ठीक हो जाएगी। एंड सबसे जरूरी, जो भी आपको पता चलता है शेयर विद अदर्स। एक लालटेन होती थी पहले हमारे जमाने में ना, वो जब जलती थी तो वो शीशा जो होता था ना, चिमनी, जब थोड़ा टाइम वो जलती थी तो चिमनी काली हो जाती थी, और हमें घर वाले कहते थे कि चिमनी साफ करो तब लाइट सही आई। तो ऐसे ही जब हमें दिख रहा है बहुत कुछ, हम अपनी ही हवा में है लेकिन हम शेयर नहीं कर रहे,
तो वो जैसा चिमनी काली हो जाती है ना अपनी ही रोशनी से, ऐसे हम भी अपनी ही रोशनी से अहंकार में हम भूलते जाते हैं कि हमें बहुत पता चल रहा है, लेकिन जब दूसरों का सुनेंगे तब पता चलेगा कि जानने के लिए बहुत कुछ है। तो उससे हमारा अहंकार कम होता है शेयरिंग से। अगर आपको विजन, किसी चीज को विजुलाइज करने में दिक्कत हो रही है, आप एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे लगा हुआ ब्लू कलर का ये विजन बोर्ड है, ये विजन बोर्ड है। तो जो भी आपको विजुलाइज करना है, जो भी आप चाहते हैं, आप उसके ऊपर वो पिक्चर कोई भी सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। आर्टिफिशियल लाइट, जितना ज्यादा हम आर्टिफिशियल लाइट्स में रहते हैं उतना हमारा ये चक्र जो है खुलने में वीक वीक होता है, क्योंकि हम प्रकृति से जितना दूर रहते हैं, पहले भी हमने दूसरे चक्रों में भी जब काम किया, ग्राउंडिंग में किया, वाटर एलिमेंट पे काम किया, फायर में किया, एयर में किया, तो जितना हम प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे उतना हम हेल्दी स्वस्थ रहेंगे और हमारे जो चीजें हैं वो सही काम करेंगी। क्योंकि जब हम रात के अंधेरे में सोते हैं तो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज होता है, और मेलाटोनिन हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को रेगुलेट करता है, सेट करता है, और ये थर्ड आई का काम है मेलाटोनिन रिलीज करना। लेकिन अगर हम ज्यादा एक्सपोजर हमारा आर्टिफिशियल लाइट्स में ही रहने का है, हम ज्यादा समय आर्टिफिशियल लाइट्स में ही बिताते हैं, और फिर हमारा वो मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो कम होता जाता है और हम बीमार होते हैं। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो क्या कहते हैं, लाइट बंद कर दो, आंखें बंद कर लो, हाथों को क्रॉस करो, पैरों को, ताकि अंधेरे में जब तक अपने भीतर जाओगे तो मेलाटोनिन की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। इसलिए हम ध्यान में लाइट बंद करके ध्यान करते हैं। तो जितना हो सके जब जरूरत है लाइट को यूज करो, लेकिन बहुत हमें होता है कि मैं तो अपना घर पूरा जगमगाता हुआ रखना है, तो अननेसेसरली हम लाइट्स को जलाए रखते हैं, और वो जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं वो हमारे विजन पर बहुत इफेक्ट डालती है। राइट, लिखो, जैसे भी अभी 3 दिन से हम यही बात कर रहे हैं कि लिखो, आई सी क्लियरली, एफर्मेशन है इसका कि मैं स्पष्ट रूप से चीजों को देखता हूँ। ये एफर्मेशन बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जो चीज आप अपने सबकॉन्शियस में उतारना चाहते हो वो आपको हर समय दिखती रहनी चाहिए। आई एम इंट्यूटिव, आई एम इनसाइटफुल, आई एम इनोवेटिव, आई एम कनेक्टेड टू माई इनर वॉइस, माई माइंड इज ओपन टू न्यू विजन्स। नया नया कुछ सीखना है, नया नया कुछ करना है। आज आप पत्री जी को देखते हो, क्या उन्हें बैठकर सारा सारा दिन लोगों के एक्सपीरियंस सुनने हैं? सर मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सर मुझे विचार बहुत आ रहे हैं, सर मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है? सर वही बातें वो 40 साल से सुन रहे हैं, वही बातें सुन रहे हैं, और हमें कोई 4 बार बोलता है तो हमें इरिटेशन हो जाती है, कि यार रोज वही प्रश्न पूछते हो, लेकिन वो वही बातें सुन रहे हैं बार बार, क्योंकि वो दूसरों को मौका दे रहे हैं डेवलप होने का। कि मुझे जो पता है, मैं जो जानता हूं, बस वही नहीं है। हर एक को वो एक्सप्लोर करके, हर एक जो अपने नए विजन के साथ आता है, अपनी इनसाइट के साथ आता है, वो सबको उतने ध्यान से सुनते हैं कि जैसे आज पहली बार ही सुन रहे हैं, उन्होंने पहले ये कभी सुना ही नहीं। तो इसलिए हमें अपना विजन इतना ब्रॉड रखना है। हमने पा लिया हम सब अपने घर में, हमें सब कुछ मिल गया, नहीं, हर किसी से सीख सकते हो, पक्षियों से सीख सकते हो, जीव जंतुओं से सीख सकते हो, बच्चों से सीख सकते हो, राह चलते हुए कोई ऐसी बात कर जाएगा तो आप सीख सकते हो। हर समय हमें स्टूडेंट बन के रहना है स्पिरिचुअल साइंस का, सीखने के लिए तैयार रहना है। मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैंने बहुत कुछ जान लिया, मेरे सारे चक्र खुल गए, ऐसा कभी भी नहीं सोचना, क्योंकि कभी भी कहीं भी हम गिर सकते हैं, और हमें इन डीमन जो है हमारे, इनसे बाहर आना है और अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। तो यहाँ हम अगले चक्र में जाने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करेंगे और अपने थर्ड आई चक्र, तो हमारी आत्मा के आने जाने का एक मार्ग है, उसके लिए एफर्मेशन करेंगे। ध्यान सांसों पर रखेंगे, थर्ड आई पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, सांसों पर ध्यान दें। और सबसे बढ़िया उत्तम एफर्मेशन है, आई एम अ पावरफुल सोल, मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूं,
मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। अपने आप को उस स्थिति में देखें जहां अपने भीतर की शक्तियों से जुड़कर अपने में ही आनंदित हो रहे हैं। आप अपने दिव्य स्वरूप को जान रहे हैं, अपनी दिव्यता से जुड़ रहे हैं। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप वही हो जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी दिव्यता से जुड़ना है, अपने भीतर की यात्रा करनी है। आप किसी से कम नहीं, आप भी सिकंदर हो, कोई आपसे अधिक नहीं, कोई आपसे कम भी नहीं। वही चेतना मेरे अंदर काम कर रही है, वही चेतना आपके अंदर काम कर रही है। सोना तो सोना ही है, चाहे वो किसी भी आकार में हो, इसकी कीमत वही है। हम अपने आप को कम ना समझें, अपनी कीमत को पहचाने, अपने उस दिव्य स्वरूप को पहचाने। मैं अपने आप को उस दिव्यता के लिए खोलता हूँ, मैं अपनी दिव्यता को स्वीकार करता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड के लिए एक माध्यम हूँ। लास्ट 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें। अपने आप को भरपूर प्यार करें। और ध्यान से बाहर आ जाएं। हम दिव्य हैं, हम अभी भी वैसे ही हैं। सिर्फ हमें ऊपर पड़ी हुई धूल को हटाना है। हमने अपने आप को कमजोर समझ लिया है, पर हम कमजोर नहीं हैं। तो हमें अपने ऊपर काम करना है, और जितना काम असल में था वो नीचे के चक्रों में ही था। यहाँ पर तो सिर्फ हमें जागरूकता की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, और अपने वो छुपे हुए जो अवचेतन मन में पैटर्न है हमारे, जो डीमन छुपे हुए हैं, उनके ऊपर काम करके अपने आप को पूरी तरह से पवित्र कर लेना है। अपने आप को, अपनी ऊर्जा को हर तरह से मुक्त कर लेना है, ताकि हम ऊपर की ओर उठते चले जाए। लेकिन अगर हमारे पैर नीचे बंधे हुए हैं तो हम उड़ नहीं सकते। उड़ने के लिए हमें अपने आप को नीचे की जंजीरों से मुक्त करना हो, तभी हम इस मार्ग पर जो हमें शक्तियां प्राप्त होंगी, सिद्धियां प्राप्त होंगी। कई कुछ लोगों को दूर श्रवण की सिद्धि मिल जाती है, कुछ लोगों को साहित्य की सिद्धि मिल जाती है, कविता लिखने लगते हैं, ऑटो राइटिंग करने लगते हैं, चैनलिंग करने लगते हैं। ये सारे थर्ड आई के हिस्से हैं, लेकिन उन्हें अपने भीतर समेटने के लिए हमारे अंदर विनम्रता होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर ये बात आ जाती है कि अरे मुझे तो सब पता चल गया, तो फिर वहां हम अपने ही जाल में उलझ जाते हैं। मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी, बट मैं एक एक्सपीरियंस और शेयर करती हूँ कि जब बहुत ज्यादा खुल जाता है और दिखता ही रहता है ना, तो कई बार हमें सामने ग्राउंड रियलिटी का भी पता नहीं चलता, पर्दा पड़ जाता है। मैं अभी कहीं गई थी और वहां पर उनका बहुत था मन था कि हमारे स्टेट में बहुत बड़ा पिरामिड आए, बहुत बड़ा पिरामिड आए, और उसके लिए उन्होंने जगह देखी थी, और उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से बात भी किया कि हमें कोई ऐसी जगह दिखाओ शहर से बाहर जंगल के पास, जहां पर हम पिरामिड वैली जैसा एक बना सके। और उस समय कोई और भी मास्टर वहां पर थे, वो थर्ड आई मास्टर थे। मैं तो ऐसा थर्ड आई मुझे नहीं ऐसा पता चलता, बट हाँ जब जरूरत है तब चीजें समझ में आती है।
लेकिन थर्ड आई से दिख गया, विजन आ गया, वैसा नहीं है। तो मुझे उन्होंने कहा सुबह चलने के लिए साथ, तो मैंने कहा नहीं मैं आज नहीं जाऊंगी, मेरा ठीक मतलब मैं कहीं क्लास है और मुझे उस क्लास में जाना है, मैं फिर कभी जाऊंगी, आप जगह देख कर आओ। वो लोग जगह वो मास्टर के साथ में देखने गए और वहां बैठकर उन्होंने वो जगह देखी, बहुत ही दूर शहर के बाहर बिल्कुल जंगल में एक गांव है, कहीं कोई घर नहीं है और थोड़ी दूर पर एक नदी है, कच्ची जगह है। तो उन्होंने वहां बैठ के मेडिटेशन किया और उन्होंने कहा कि हमने देख लिया यहाँ पर बहुत बड़ा पिरामिड आ गया, तो यहाँ तो पक्का पिरामिड आना ही आना है, तो आप उसकी तैयारी करो और आप ये जगह खरीद ले, खरीद के प्रॉपर्टी डीलर को पैसे दे दो। फिर वो एक और जगह गए जहाँ उनको प्रॉपर्टी डीलर ने एक और जगह बताई थी, एक मंदिर था, वहां पर मंदिर में गए, उन्होंने जाके बात बात की, वहां पे ध्यान किया और मंदिर का जो हेड होता है उसको भी ध्यान करवाया, वो भी बहुत साधना पहले टाइम पे अपने किया था, अभी तो बुजुर्ग हो गया था, तो उसको सब ध्यान की बातें बताई, तो उसने बोला कि डेफिनेटली हम यहाँ पर बड़ा पिरामिड बनाएंगे। तो वो बहुत खुश होके घर वापिस आई कि दो पिरामिड तो यहाँ पर बने हुए हैं और मुझे देख लिया आगे पिरामिड। लेकिन जिनके घर में मैं रुकी हुई थी मैडम, वो दूसरे दिन मुझे कहने लगी कि मुझे क्यों कंफर्ट नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये मेरे हस्बैंड को कोई बना रहा है और मुझे चल के देखना चाहिए, तो आप मेरे साथ चलो, मुझे वापस दिल्ली आना था। मैंने बोला कि टाइम नहीं है और भी बहुत सारे हमें काम करने, तो उन्होंने बोला नहीं आप क्लास अभी आज छोड़ दो, लेकिन मुझे अंदर से आ रहा है कि आपको वहां लेकर जाना है। मैंने कहा मुझे तो दिखता नहीं है, बोली नहीं आपको लेके जाना है क्योंकि आप बात करोगे तो शायद मेरे हस्बैंड मान जाए, तो मैं कहूंगी तो हो सकता है ना भी माने, तो आप चलो, मुझे क्यों नहीं कंफर्ट आ रहा है, मुझे लग रहा है अंदर से आवाज आ रही कि एक बार मुझे भी वहां जाके देखना चाहिए कौन सी जगह है जिसके लिए हम पेमेंट करने वाले हैं। तो मैं उनके साथ गई, बहुत दूर थे, बहुत दूर वो जगह थी, गए वहां पर जाके बैठे, आंख बंद किया, मुझे तो कुछ पता नहीं चला, और 2 मिनट आंख बंद किया तो कहां से 2 व्यक्ति आ गए। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पर आप क्या करने आए, तो यहाँ पर हम जगह खरीद रहे हैं, हमें यहाँ पर आश्रम बनाना है और ये जगह हमें किसी ने बताई है। तो उन्होंने बोला ये ट्राइबल एरिया है, ये जगह तो बिक ही नहीं सकती है और यहाँ तो कोई और बाहर का तो आके ले ही नहीं सकता, और सामने जो नदी आप देख रहे हो वो नदी का पानी इतना चढ़ जाता है कि यहाँ पर खेती भी नहीं हो सकती, ये पूरा सब डूब जाता है उस पानी में, तो कितने महीने तक यहाँ जल ही जल रहता है और यहाँ पे हम खेती भी नहीं कर सकते, ये हमारी ही जमीन है पर हम तो बेच नहीं रहे, हमें तो किसी को कहा भी नहीं बेचने के लिए, और किसी को हम बेचे भी तो ये बिक ही नहीं सकती है, ये ट्राइबल का एरिया है। तो वो मैडम मेरी तरफ देखने लगी, मैं उनकी तरफ देखने लगी, हम वापस आ गए और हमने आकर बात की कि आप उसके लिए पैसा मत दो। अब बहुत सारी चीजें हम जो देखना चाहते हैं ना हम वही देखते हैं, हमारा क्या है कि हर जगह बड़ा पिरामिड आ जाए तो हमें वही दिखेगा हर जगह, गलती नहीं है उनकी, उनकी गलती नहीं है, क्या वो दिखेगा तो नीचे आएगा क्योंकि जो चीज हम पहले मैनिफेस्ट माइंड में होगी फिर वो धरती पर आएगी, लेकिन हम वो जो ग्राउंड रियलिटी को चेक करना ही भूल जाते। तो ये परीक्षा होती है कि हम कितना, अगर वो मैडम हिम्मत नहीं करती, उनके अंदर से ये इंट्यूशन नहीं आती, अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करती, तो अगले दिन पैसा दे देते वो, और फिर एक बार पैसा दिया तो वापिस आता नहीं। इसलिए हमें ग्राउंड रियलिटी को साथ साथ चेक करना है, हमें दिख रहा है हमें सब पता चल रहा है बट ग्राउंडेड भी रहना है। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, क्लच नहीं है, तो वो गाड़ी तो फिर कहीं भी जा सकती है, तो हमें बैलेंस रहना है और बैलेंस हम तभी रहेंगे जब हम नीचे के चक्रस पे काम करते रहेंगे, ग्राउंडिंग हमें हर एक स्टेज पर ग्राउंडिंग करते ही रहना है। तो ये हमारा थर्ड आई का था और इसलिए ध्यान साधना के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, अंदर शक्तियां जागे ये हमारा काम नहीं है, जैसे जैसे साधना बढ़ेगी वो अपने आप कुदरत दिख लेगी और जितना हम सहने लायक होंगे उतना हमारे अंदर एक्टिवेशन होगा। तो आज हम ये लास्ट चक्र है सहस्त्रार, जिसको 1000 पेटल लोटस कहा जाता है, ये पेटल्स 1000 नाम है इसका, लेकिन ये खुलते ही जाते हैं, हर एक इंसाइट, हर एक एक्सपीरियंस, हर एक आपका पेटल हर ये बढ़ता ही जाता है, इसका कोई अंत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब आप अपने मन की पकड़ से छूट गए हो, अब आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बन गए हो, यहाँ तेरा मेरा कुछ नहीं है, अब हम अद्वैत में आ गए, यहाँ पर आप एक बस आप हो और यूनिवर्स आपके माध्यम से काम कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। आज्ञा चक्र तक आपको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं,
मैं करना है तभी होना है, मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जब शस्त्रार में पहुंच जाते हो आपके माध्यम से काम होने लगता है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, और जो भी आपके मार्ग में चीजें आती रहती हैं आप उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ते रहते हो, आप उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते हो कि ऐसा क्यों हो गया, आपका प्रोग्राम कहीं जाने का बना और बहुत बड़ा क्लास है, सब कुछ हो गया, आप तैयार होके निकल रहे हो, आपको फोन आ गया वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कोई बात नहीं, फिर कभी। लेकिन अगर आपको ये है कि मैंने करना था, इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तब आपके अंदर वो चीज आएगी। लेकिन यहाँ पर आकर आप एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बन गए, तो आप जो यूनिवर्स आपसे करा रहा है बस आप करते जा रहे हो, नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं, हो रहा तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ का जो एलिमेंट है वो थॉट है, यहाँ विचारों से हर चीज चलती है, पर्पज है अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ बूझ बढ़ती जाती है, यहाँ पे हमें बिलीफ सिस्टम पे बहुत काम करना होता है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम हमें आखिर तक जकड़े पकड़े रखता है, और यहाँ भी हमें अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना है, ये भी वही है कि इश्यू वही है कि पावर्स आप जाग जाती हैं, सिद्धियां मिल जाती हैं, जो बोलते हो वो होने लग जाता है, हर समय दिखता रहता है, तो ग्राउंड रियलिटी से दूर होने शुरू हो जाते हैं, जितना हम इन दो चक्रों में जाते हैं उतना हमारी ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है, और यहाँ से शस्त्रार में जाने का कोई मार्ग नहीं है, माइंड से नो माइंड में जाने का कोई मार्ग ही नहीं है, वो जब आप ध्यान में गहरे चले जाते हो तो प्राकृतिक शक्तियां आपसे एक छलांग लगवा लेती हैं, आप ओम देखते हो जो ऊपर का चांद है, आप वहां जाने का कोई मार्ग नहीं है, वो नीचे से जुड़ा भी नहीं हुआ है, वहां पर आपको यूनिवर्स ले जाता है, आप अपने प्रयास से नहीं जाते वहां पर, तो ये वो चीज है जहां पे आपके सब जो कर रहे हो वो सब छूट जाते, कर्ता भाव छूट जाता है, आप कुछ करने वाले हो ही नहीं, कलर इसका वॉलेट है, लोकेशन ये हमारा जो दिमाग है, ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये सिचुएटेड है, यूनिवर्सल आइडेंटिटी, अब आप पूरे ब्रह्मांड के लिए हो, ब्रह्मांड आपके लिए, सेल्फ नॉलेज जिसमें आपको अनुभव से ज्ञान जो प्राप्त होता है, डीमन इसका अटैचमेंट है, यहाँ भी डीमन है कि आप जुड़े ही रहते हो, जैसे थर्ड आई का डीमन इल्यूजन था, भ्रम में रहना, उसी में खोए रहना, कल्पना लोक में खोए रहना, लेकिन यहाँ का डीमन अटैचमेंट है, और ये व्यस्क जब हम होते हैं शुरू होते हैं, जैसे टीनेज आप कह सकते हो, वहां से ये चक्र बनना शुरू होता है, और इसका काम है ज्ञान को लेना, ग्रहण करना, उसे अप्लाई करना और अपने अनुभव से ज्ञान को बढ़ाते जाना, और यहाँ पर हम देख सकते हैं सही, थर्ड आई पे आकर हम जो देखना चाहते हैं वो देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सही जो दिखाया जा रहा है हम वो देखते हैं, बेसिक राइट टू नो एंड लर्न, ज्ञान को हासिल करना और सीखते ही रहना, और जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, तो यहाँ तक भी हम सीखते ही रहते हैं, बैलेंस होता है तो हम अच्छे से जो भी हमें मास्टर मैसेज देते हैं सही से रिसीव करते हैं, बिना अपना दिमाग उसमें लगाए इंटेलिजेंट हो जाते हैं, ओपन माइंडेड हो जाते हैं, एबल टू क्वेश्चन कि ऐसा क्यों, अगर ऐसा ये मैसेज है तो इसका मतलब क्या है, इससे मुझे क्या होगा, इससे मेरा फायदा होगा कि सबका फायदा होगा, तो आप क्वेश्चन करने लगते हो, काम करने से पहले अपने बिलीफ सिस्टम पे क्वेश्चन करने लगते हो कि आज तक मैं जो ये कर रहा था क्यों कर रहा था, इससे फायदा क्या हुआ, तो आप अपने आप को बदलते जाते हो, अवेयर बहुत अवेयरनेस बढ़ जाती है, और कनेक्टेड आप अपने आप से जुड़े रहते हो, विजडम आपको अनुभव से बहुत मास्टरी हासिल हो जाती है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप सब में समा गए हो, सब आप में समा गए हैं, अब जो पत्री जी की अवस्था है ब्रह्म ऋषि, अब आपको वो अवस्था में हो कि सब आप में है, आप सब में हो, कोई बुरा नहीं, कोई भला नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, बस आप हो और आपके माध्यम से सब चीजें चल रही हैं, यूनिवर्सल सेल्फ नॉलेज। अब यहाँ ये रिटर्न ट्रिप है, हम कहीं भी जाते हैं ना तो रिटर्न ट्रिप हम करते हैं, तो यहाँ से जब आपने यहाँ पर सब ज्ञान ग्रहण कर लिया तो यहाँ से वापस उसे नीचे उतारना है, मैनिफेस्टेशन में लेके आना है, ज्ञान हो गया लेकिन वो नीचे नहीं उतर रहा है तो फिर हमारा जो इम्बैलेंस है, रिटर्न ट्रिप मतलब धरती में रहते हुए धरती से परे की चीजें देखते हुए धरती की वास्तविकता को भी साथ ही साथ महसूस करना, और यहाँ आकर एक बहुत अद्भुत एक एक्सपीरियंस होता है साधक को, पहले उसे जब तक वो थर्ड आई में होता है रिवर्स आर, पहले दुनिया में होता है रिवर्स आर रिवर्स, माउंटेन्स आर माउंटेन्स, नदियां नदियां हैं, पहाड़ पहाड़ है, क्या फर्क है, सब एक जैसा ही है, लेकिन जब वो थर्ड आई पर आ जाता है, जब वो देखता है तो उसे हर चीज अलग दिखाई देती है, क्योंकि दृष्टि बदल गई, एक अलग दृष्टि से आत्मदृष्टि से संसार को देख रहा है, तब तो लगता है नदियां नदियां नहीं है, पहाड़ पहाड़ नहीं है, ये तो हर चीज ब्रह्म में है,
हर चीज में परमात्मा है, सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। जब वो दृष्टि आप बदल जाती है तो नदियां नदियां नहीं दिखाई देती, पहाड़ पहाड़ नहीं दिखाई देते, सब तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा दिखाई देती है। लेकिन जब आप शस्त्रार्थ पे पहुंच गए और अनुभव से आपको ज्ञान हुआ, तो वापिस आप उसी रियलिटी में आ जाते हो कि अब नदियां नदियां ही हैं, पहाड़ पहाड़ ही हैं, यानी आप जीवन की वास्तविकता से हटते नहीं हो। अगर आप पहले इस स्टेज पर ही रह गए कि रिवर्स आर नॉट रिवर्स, माउंटेन्स आर नॉट माउंटेन्स, तो आपका ट्रिप कंप्लीट नहीं हुआ। ट्रिप कंप्लीट तब होगा जब आप वापस इस धरती पर रहते हुए अपने अनुभव को एंजॉय करते हुए, सुख दुख को झेलते हुए, तब आप इसमें से निकलोगे, तो आपका वो ट्रिप जो है वो पूर्ण हो गया, आपकी यात्रा पूर्ण हो गई। अब आप डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो रहे हो और ये दो सिरे एक साथ जुड़ रहे हैं, मूलाधार से सहस्त्रार, सहस्त्रार से मूलाधार, ये एक साइकिल बन गया है जो अपने आप एनर्जी आपकी फ्लो होती जा रही है और ये एनर्जी आपको ट्रांसफॉर्म करती ही जा रही है। फिटनेस मिरेकल हर दिन आपके जीवन में चमत्कार घट रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो पर वो घट रहे हैं। वाव, हर दिन आपका हर मोमेंट वाव मोमेंट है। फ्रॉम मुंडेन टू मैग्निफिसेंट, आप इस धरती पर रहते हुए इसकी वास्तविकता को जानते हुए समझते हुए एक चमत्कारिक जीवन जी रहे हो। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से अब आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बन गए और आपकी अवेयरनेस बढ़ती ही जा रही है। जो वो लोटस दिखाया जाता है वो वही है कि बढ़ती ही जा रही है, हर पल हर क्षण आपकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और आप उस चेतना के सागर में अब आप तैर रहे हो, अब आप उससे अलग नहीं हो और आपके अंदर पूर्ण समर्पण है। जो हो रहा है वो मुझे स्वीकार है। अगर आप हम गुरुओं का जीवन देखें, रामचंद्र जी का जीवन देखें, कृष्ण जी का जीवन, जो हो रहा है स्वीकार है। कोई मारने आया तो भी ठीक है, किसी को मार दिया, यहाँ पर आके कोई हत्या नहीं लगती है क्योंकि आप सब में हो, सब बाप में है, आप ब्रह्म ऋषि बन गए तो कोई ब्रह्म हत्या का भी दोष नहीं लगता। इस स्थिति में आके आप ब्रह्म में हो जाते हो और उस समर्पण भाव में रहते हो, आपके मन की सारी सीमाएं पीछे छूट जाती हैं, आपका बिलीफ सिस्टम छूट जाता है, जैसा जो है आप वैसा ही देखते हो। अब जैसे हम पत्री सर के सामने जाते हैं तो जैसे हमें वो हम वैसा ही हमें देखते हैं, उन्हें हमारा पास्ट फ्यूचर सब दिखाई देता है, लेकिन उनको देखकर आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उन्होंने क्या क्या देख लिया, लेकिन वो इस तरह वहां प्रेजेंट रहते हैं कि वो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही हैं, जबकि वो सब कुछ हमारा देख रहे होते हैं। जैसा चीजें हैं वो उनको वैसा ही देखते हैं, उस समय वो एनालाइज नहीं करते कि ये क्या वो क्या, हमसे बात करते हैं, फुल्ली प्रेजेंट होते हैं, जैसा है वैसा ही हर चीज को देखते हैं, लीनिंग द शोर। और यहाँ पर आके जो अटैचमेंट होती है कि आप किनारे को छोड़ना नहीं चाहते, आपने सब कुछ पा लिया, आप समुद्र में उतर गए, लेकिन किनारे से इतना लगाव हो जाता है कि किनारे को छोड़ना नहीं चाहते, वो फियर कहीं ना कहीं अभी बच जाता है कि पता नहीं आगे जाने से क्या होगा। तो यहाँ पे संपूर्ण समर्पण चाहिए कि किनारे को छोड़कर जाना है, जो ब्रह्मांड करेगा अच्छा ही होगा। और ये नीचे की ओर अब यात्रा आती है, हम पहले मूलाधार से सहस्त्रार में गए, अब सहस्त्रार से जब तक मूलाधार में सब एनर्जी जाएगी नहीं, वो विजडम मूलाधार तक पहुंचेगी नहीं, तो हम बीच में ही झूलते रह जाएंगे। और हर अनुभव से हमें सीखना है। अवेकन क्राउन चक्र हर एक बात को क्वेश्चन करता है, ये ऐसा क्यों है, ये क्यों है, मुझे ये क्यों करना है। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके जो भी दिखा या जो भी किसी ने कहा उसके पीछे चलना, नहीं, क्वेश्चन करना है नहीं करना है, क्यों करना है। एग्जामिनेशन, हर चीज को अच्छे से माइन्यूटली एग्जामिन करता है। अपग्रेडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां खुद को बदलने की जरूरत है, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने की जरूरत है, तो अपने सिस्टम को हम अपडेट करते रहते हैं। पर्पज इज टू रिवील यू आर दैट, यहाँ आपको पता चल जाता है कि मैं वही हूँ, वो सीमा टूट जाती है। ट्रस्ट इन द विजडम ऑफ यूनिवर्स, तब आप जो ब्रह्मांड का ज्ञान है उसमें पूरा विश्वास करने लग जाते हो कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। सफरिंग एज टीचर एंड लर्निंग, अगर आपके जीवन में दुख भी आता है, तकलीफ भी आती है, कष्ट भी आता है, उसे आप एक टीचर की तरह देखते हो, उससे आपको क्या सीखना है, बस वही, उसी पर आपका फोकस रहता है। टू बिकम वन इज टू डिसॉल्व बाउंड्रीज ऑफ माइंड, आप उस सृष्टि से एक होने का मतलब है कि मन छूट गया है, अब हम नो माइंड स्टेट में है, हमारी मन की कोई सीमा ही नहीं बची है। लेट गो ऑफ स्टिकी इश्यूज,
यहाँ पे हमें अटैचमेंट को छोड़ना है, जिन चीजों से हम चिपके हैं। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण पायलट पापा ने एक बार दिया था ध्यानवाद चक्र में आगे, कि आप लोग संसार बसाते हो, छोटा सा परिवार बसाते हो, ये मैं, मेरा, ये मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, आप इससे चिपक जाते हो। लेकिन जब हम साधना करके सिद्धियों को पाकर जब हम संसार में वापिस आते हैं, हिमालय में तो सब ठीक है, कोई अटैचमेंट नहीं थी, लेकिन जब हम संसार में आते हैं, लोग हमारे पीछे लग जाते हैं, हमें गुरु बना दिया जाता है और हमारे शिष्य बन जाते आश्रम बन जाते हैं, तो वो पोजेसिवनेस आ जाती है। आप छोटे संसार से चिपके हो, हम बड़े संसार से चिपके हैं, फर्क कुछ भी नहीं है। ये उनके शब्द हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। और अगर आप ध्यान महाचक्र में 2018 में देखोगे तो उनके वीडियोस हैं कि आप छोटे संसार से चिपके हो, हम बड़े संसार से चिपके हैं, आप छोटे घर से चिपके हो, हम आश्रम से चिपके हैं, आप अपने बच्चों से चिपके हो, हम शिष्य से चिपके हैं कि शिष्य छोड़कर ना चला जाए। तो वो चिपकन यहां तक रहती है, और इससे लेट गो करना है कि हम किन चीजों से चिपके हैं, उसे छोड़ देना है। क्योंकि चिपकने से हमारी एनर्जी बाहर नहीं जाती, अंदर ही जमा हो जाती है। हमें साक्षी भाव से देखना है, हु इज इट दैट इज अटैच्ड, किससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्या है जो मुझे अभी भी चिपका के रखा है, व्हाट अंडरलाइंग बिलीफ सपोर्ट्स द अटैचमेंट, क्या ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो अभी भी इस अटैचमेंट को पकड़ के रखा है, व्हाट पर्पस डज द बिलीफ सर्व, इससे क्या फायदा हो रहा है मुझे या नुकसान हो रहा है, क्वेश्चन करना है। What are its benefits? इसका लाभ क्या है? What are the cost? इसके मैं मूल्य क्या चुका रहा हूँ इसके लिए? मैं अपने चिपका हुआ हूँ, मैंने पकड़ी हुई है चीजें अभी भी, तो इसका मुझे मूल्य क्या देना पड़ रहा है? कि ऐसा तो नहीं है कि ये पकड़न छोड़ने के लिए मुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा, क्या मैं इस जन्म को ऐसे ही बिता के चला जाऊं और सिर्फ ये अटैचमेंट छोड़ने के लिए एक जन्म लेना पड़े? इसका कॉस्ट क्या है जिससे मैं चिपका हूँ? Which is the greater when we are sure that we know something, we run the risk of closing down seven chakra closure system. जब हम ये जान लेते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और हमें सब पता है, और फिर वो होता है कि हमारा चक्र बंद हो जाता है, हमारा ये सहस्त्रार भी बंद हो जाता है। जब हमें ये भरोसा हो जाता है कि हम तो सब कुछ जान गए, तो हम अपने चक्र को बंद कर लेते हैं, लीनिंग द शोर, वो किनारा हमसे छूटता नहीं है कि मैं ठीक हूँ। और हम तब सीखना बंद कर देते हैं। आज भी पत्नी जी हर क्षण सीख रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं एग्जाम्पल से कि एक मास्टर को, ग्रैंड मास्टर को कैसा होना चाहिए, हर समय सीखने के लिए तैयार, हर किसी से सीखने के लिए तैयार, हर किसी से एक ही दृष्टि से, एक ही तरह से बात करना, समभाव में रहना, वो पैसे वाला है उससे ज्यादा क्लोज है, वो छोटा है उससे कम बात करना, किसी ने 6x6 का पिरामिड बनाया तो उसे ज्यादा मान नहीं देना, किसी ने 60x60 का, नहीं, वो 60x60 के पिरामिड के लिए 180x180 पिरामिड हो, 200x300 पिरामिड हो, या 6x6 का पिरामिड हो, उनके उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कभी भी नहीं देखा होगा, वो सभी को उसी तरह से इंस्पायर करते हैं और उतना ही सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर हैं, वो ब्रह्म ऋषि हैं, वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें इस जीवन में क्या क्या सीख के जाना है। ये टू वे ट्रिप है। Enlightenment is not creation but recognition. हमें आत्मज्ञान होना नहीं है, आत्मज्ञानी है, हमें सिर्फ पहचानना है। Mindfulness is essential. Mindfulness बहुत जरूरी है। अपने अंदर की दिव्यता को गले लगाओ, दिव्यता को स्वीकार करो, उससे प्रेम करो। How would you behave if you know you are God? ये क्वेश्चन कर रही है वो, कि अभी इसी क्षण आपको पता चल जाए कि आप स्वयं भगवान हो, तो आप कैसा व्यवहार करोगे? क्वेश्चन yourself कि मैं भगवान हूं तो मुझे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हाउ वुड यू ट्रीट yourself? अपना सम्मान, अपना सत्कार कैसे करोगे अगर आपको ये पता चल जाए कि मैं ही भगवान हूं? What kind of consciousness you hold about your smallest act as you know their effects influence the rest of entire creation? आप कैसी चेतना की स्थिति में रहते हो, ऐसी चेतना में रहते हो जब आपको पता चल जाता है कि एक छोटा सा काम भी जो आपने यूनिवर्स में किया वो पूरे क्रिएशन को, पूरी सृष्टि पर उसका इफेक्ट पड़ता है, तब आपकी चेतना की स्थिति क्या होती है? क्वेश्चन योरसेल्फ कि आपको ये पता चला मैं भगवान हूं और मैं जो भी करूंगा, हल्का भी इधर उधर करूंगा, जो भी करूंगा मैं, तो पूरी सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ेगा, तो आप स्वयं एक बार सोच के देखो कि तब आप किस चेतना स्थिति में जी रहे हो। अनफॉर्चुनेटली Our divinity is forgotten, contracted by fear, shame, doubt and ego. सब कुछ है हमारे अंदर, लेकिन ये जो हमने धूल ऊपर इकट्ठी की है, इसे हटाना है। हमें खुद से जुड़ना है और अपनी दिव्यता को गले लगाना है। और स्पिरिचुअल ब्लॉकेज क्या है? कि वर्कहोलिक,
कि काम में ही उलझे रहना, किसी चीज में अनंत नहीं लेना, बस मुझे तो क्लासेस लेनी है, मुझे तो यही करना है, ध्यान करना है, प्रचार करना है, और किसी भी चीज को एंजॉय नहीं करना, तो ये यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाता है कि हमारे अंदर वो आध्यात्मिकता में भी हम मध्यपात हो जाते हैं। सेल्फ इंपॉर्टेंस कि मुझे ही स्टेज पर बिठाए रखें, हर समय मेरे बारे में ही लोग बात करें कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है, तो सेल्फ इंपॉर्टेंस भी यहाँ ब्लॉकेज बन जाता है। नॉन डेलीगेशन, हम किसी को काम सौंपना नहीं चाहते, हमें लगता है हम परफेक्ट हो गए, हमें सब कुछ आता है, हम खुद ही कर लेंगे। हाउ मच वी पे अटेंशन व्हेन वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ अवर बिलव्ड, जब हम किसी अपने प्रेमी के साथ होते हैं तो हमारा ध्यान कैसा होता है, कितने अवेयर होते हैं, कितने प्रेजेंट होते हैं, कितना हम अटेंशन पे करते हैं उसकी तरफ। हाउ मच वी पे अटेंशन टू व्हाट वी पुट इन अवर बॉडीज व्हेन सिक, जब हम बीमार होते हैं तो हम एक एक चीज बहुत सोच समझ के खाते हैं, हमारा ध्यान होता है कि हम बीमार हैं, हमें कैसा खाना खाना चाहिए, कितना हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये वो क्षण है जो हमारी स्पेशल अटेंशन को रिसीव करते हैं। हम पूरी तरह उस समय वहां प्रेजेंट होते हैं जब हम अपने प्रेमी के पास होते हैं, या जब हम बीमार होते हैं और हमने बहुत परहेज से खाना होता है, तो हम पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये क्षण जो है हमारी पूरे ध्यान को खींच लेते हैं। एम्ब्रेस द डाइटी विद इन, उसी तरह अपने भीतर की दिव्यता को एम्ब्रेस करें, गले लगाएं, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड क्लोज टू अस, हमेशा हमारे साथ ही है, दूर कहीं नहीं है। टू वॉक अक्रॉस द ब्रिजेस टू एम्ब्रेस ईच स्टेप एज वी गो, एक एक कदम जो आप उठा रहे हैं इस यात्रा में, अपने आप से, अपने हर प्रयास से प्यार करें। टू रिक्लेम अवर कनेक्शन, अपने उस कनेक्शन को दोबारा से रीबिल्ड करें। हूएवर वर्शिप्स अनदर डिविनिटी देन हरसेल्फ हिमसेल्फ थिंकिंग ही इज वन आई एम अनदर नोज नॉट, ये समझने में हो सकता है आपको लगे कि ये कैसे हो गया, लेकिन ऐसा ही है। जो भी कोई पूजा करता है, लोग कहते हैं हम पूजा क्यों छोड़ दें, जो भी कोई पूजा कर रहा है ये जानकर कि वो भगवान है, वो अलग है, मैं अलग, अभी उसने जाना नहीं खुद को, क्योंकि तो जिसने खुद को जान लिया वो पूजा कर ही नहीं सकता, वो तो एक हो गए, तो किसकी पूजा करनी है। जब तक आप में द्वैत है, जब तक आपको ये लग रहा है कि वो अलग है, वो भगवान है, मैं कम हूं, मैं कमजोर हूं, मैं छोटा हूं, मैं अलग हूं, तब तक आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब आपका शस्त्रार खुल जाता है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाती है कि मैं भगवान हूं, तो आपसे पूजा होगी ही नहीं, आप करने भी जाओगे तो नहीं होगी। तो उस स्थिति को हमें प्राप्त करना है और हर एक चीज से लेसन सीखने हैं, चाहे वो सफलता हो चाहे असफलता हो। और जब क्राउन चक्र बहुत स्ट्रांग होता है तो हम सफलता और असफलता दोनों से सबक सीखते हैं। और ये ओशो का भी स्टेटमेंट है और पत्री जी भी कहते हैं, इफ यू सी अ बुद्धा ऑन द रोड किल ही और ही विल किल यू, अगर आपको बुद्ध भी मिल जाए ना रोड पे तो उसे मार दो, नहीं तो वो आपको मार देगा। पहले बार जब मैंने ये स्टेटमेंट सुनी थी तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है, क्योंकि हम इतना प्रभावित हो जाते हैं शक्तियों से, व्यक्तित्व से, कि हम अपना आप भूल जाते हैं, अपना आप को खो देते हैं। और अगर आपने किसी को पकड़ लिया तो फिर आप आगे जा ही नहीं पाओगे, आप उससे आगे सोच ही नहीं पाओगे। इसलिए आध्यात्मिकता में ये इतनी सुंदर स्टेटमेंट है, इफ यू सी अ बुद्धा ऑन द रोड किल हिम, किल हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मारेंगे, लेकिन आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड यू हैव टू मूव अहेड, आगे जाना है, वहीं नहीं रुकना, हो सकता आपकी यात्रा उससे भी आगे की हो, लेकिन अगर आपने बुद्ध को ही पकड़ लिया तो आप उससे आगे सोच ही नहीं पाओगे। हम नदी पार करते हैं, नाव में जाते हैं, नाव का काम ही है हमें पार लगाना, लेकिन पार होने के बाद अगर हम नाव को सिर पर उठा ले तो हम चल भी नहीं सकेंगे। जितने भी गुरु पीर पैगंबर आते हैं वो नाव है, वो हमें नाव पार करा के नदी पार करा देते हैं, लेकिन नदी पार करके नाव को छोड़ देना है, लेकिन नदी पार करके अगर नाव को पकड़े रखेंगे तो वहीं बैठ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये एक आत्मज्ञानी का चक्र की स्थिति है और उसका आभा मंडल है। आप कल्पना करिए किसका हो सकता है ये आभा मंडल और ये चक्र, एक ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के हैं जो पूरी तरह विकसित है और जिससे बार बार आप मिलते हो, उनके सानिध्य में समय बिताते हो, उनके हाथ का बना खाना खाते हो, डांट भी खाते हो, प्यार भी लेते हो। ये पत्री जी का ऑरा है, जब ऑस्ट्रेलिया पत्री जी गए थे
वहां पर डॉक्टर मैथ्यू शील्ड जो थे उन्होंने पत्री जी का ऑरा और भी मास्टर्स का ऑरा और उसका चक्रास चेक किए थे और उन्होंने ये बताया पत्री जी को कि केवल और केवल आनापानासति ध्यान करने से जितना ऊर्जा सिस्टम बैलेंस होता है और किसी विधि से बैलेंस नहीं होता। आप बेशक यूट्यूब पे जाकर डॉक्टर मैथ्यू शील्ड पावर ऑफ आनापानासति मेडिटेशन आप देख लेना, पत्री सर के साथ उनका पूरा वीडियो है आधे घंटे का, आप देखिए जाके आपको पता चलेगा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये पत्री जी का आभा मंडल है और उनके चक्रा हैं और उन्होंने बताया कि पत्री जी बहुत एक्सप्रेसिव हैं, वो हम सभी जानते हैं, लेकिन वो तो नहीं जानते थे ना, उन्होंने तो सिर्फ चक्रास देखकर बताया। बैलेंस्ड हैं, उनके चक्रास बहुत डेवलप्ड हैं, उनमें एक सिमेट्री है, इधर इधर फैले नहीं हुए हैं, एक ही बीच में उस जो हमारा पलम है बीच वाला उसी के साथ वो चक्र है। और उनका फिफ्थ चक्र जो है विशुद्धि चक्र वो बहुत एक्सप्रेसिव है, और उनका एक्सप्रेसिव है तो वो दूसरों को भी अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं, क्योंकि जिसका खुद का एक्सप्रेसिव नहीं है वो दूसरों को भी मौका नहीं देगा, क्योंकि उनका खुद का इतना विस्तृत है तो वो दूसरों को भी हर किसी को मौका देते हैं कि वो खुद को एक्सप्रेस करे। सिक्स्थ एक्सप्रेशन सॉरी फिफ्थ चक्र उनका, वो अपने सत्य पर अडिग रहते हैं, उन्हें शाकाहार जगत चाहिए तो चाहिए, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला माने, चाहे उनके साथ की पीछे ना आए, चाहे उनको कोई छोड़ के चला जाए, लेकिन उन्हें शाकाहार जगत चाहिए तो चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि जब मुस्लिम लोग होते हैं जहां पर किसी कम्युनिटी में हम जाते हैं तो सर को ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सर को करना है तो करना है, कोई माने कोई ना माने, कोई सुने कोई ना सुने, उस बात को कोई कैसे भी ले, लेकिन उन्हें तो अपना सत्य बताना है। और सिक्स चक्र उनका बहुत ही एक्सप्रेसिव है। और जो सेवंथ चक्र है सहस्त्रार है, आप देखो वो बीच में है बिल्कुल, और ये रिसेप्टिव स्टेट में है, वो लेते ही रहते हैं, सबसे लेते ही रहते हैं, सबसे लेते रहते हैं, वो इतना रिसेप्टिव स्टेट में रहते हैं। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे युग पुरुष के सानिध्य में हैं, और वो हमें मार्ग बता रहे हैं, फिर हम भटक जाते हैं, यहाँ वहां ढूंढने लगते हैं कि कौन हमारी कुंडली जागृत कर देगा, कौन हमारे चक्रा जागृत कर देगा। अपनी आंखों से पर्दा हटाएं, आप खुद उतने शक्तिशाली हैं, खुद उतने पावरफुल हैं, आप स्वयं अपने आप से काम करेंगे, हर चीज आपको मिलेगी। ये तो विज्ञान ने सिद्ध किया है किरलियन फोटोग्राफी से, डॉक्टर मैथ्यू शील ने, कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आनापानासति ध्यान करने से पूरा एनर्जी सिस्टम हमारा बैलेंस हो जाता है। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको वो शीट दिखा देती हूँ ताकि फाइनली हम उस चीज को समझ लें और उस पे भी हम काम कर लें। एक मिनट, सेवंथ चक्र जो है हमारा उसकी भी शीट मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। सहस्त्रार लास्ट चक्र अटैचमेंट इशू है इसका, स्पिरिचुअल अब्यूज, वही अपने पावर्स को मिसयूज करना, अध्यात्मता से ही जुड़े रहना, संसार को छोड़ देना, बिलीफ सिस्टम पर काम नहीं करना, पावर्स में ही खुश रहना, यूनियन डिविनिटी के साथ जो आपकी यूनियन है उसी में उलझे रहना और संसारिक चीजों को इग्नोर करना और बस दृश्य देखते रहना। स्ट्रेंथ होती है तो आपको अनुभव से ज्ञान होता है, आपका गुड बिलीफ सिस्टम होता है, आप इंटेलिजेंट होते हो, विचारशील होते हो, जागरूक होते हो, ओपन माइंडेड होते हो, एबल टू क्वेश्चन क्यों करना है, कैसे करना है, ये मैसेज आया तो इसको करना है अभी करना है बाद में, आप क्वेश्चन करते हो। स्पिरिचुअली आप अपने आप से और ब्रह्मांड से जुड़े रहते हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत विस्तृत होती है, अगर ज्यादा होता है तो फिर कंफ्यूजन रहती है, ओवर इंटेलिजेंट हो जाते हो, डिसएसोसिएशन फ्रॉम बॉडी कि ऊपर ही ऊपर रहेंगे नीचे जाएंगे ही नहीं, स्पिरिचुअल एडिक्शन वही कि मैं ही काम करूं दिन रात उसी काम में उलझे रहना और बैलेंस खो देना कि 50% प्रापंचिकता 50% आध्यात्मिकता, तो स्पिरिचुअल एडिक्शन होने से बैलेंस खो देते हैं हम कि उसी में ही उलझे रहना है। और जब हम शरीर छोड़ने का टाइम आता है, ये एक्सपीरियंस है, तो उस समय जो जो नहीं किया होता ना वो याद आता है, जो किया वो याद नहीं आता, जो जो लूप रह गए ना फिर हम तरसते हैं कि हमें मौका मिल जाए और अपने वो एक्सपीरियंस पूरे कर लें। तो इसलिए जो भी अनुभव करना है उसे समय रहते अनुभव करें, ये नहीं कि इसीलिए पत्री सर कहते हैं कि हमारा मध्य मार्ग है, एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ना नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं अध्यात्म में भी है आप संसार में भी है, मध्य मार्ग में रहिए। अगर ये चक्र बहुत ज्यादा खुला होता है, कम खुला होता है तो आप ओवरली इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, स्पिरिचुअल सिनिज्म, लर्निंग डिफिकल्टीज,
एक आप स्पिरिचुअल ब्लॉक हो गया, आप सीखने के लिए तैयार ही नहीं, आपको लगता है मैंने सब कुछ सीख लिया। एपैथी, रिजिड बिलीफ सिस्टम, एक्सेस इन लोअर चक्रा, ग्रीड, लालच, वो अपनी चीजों से चिपक जाना, यहाँ भी आके लालच आ जाता है कि ये आश्रम है, ये मेरे इतने शिष्य हैं, इतने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे इतना कुछ मिल रहा है, ये सब चीजें अगर अवेयर नहीं होंगे तो यहाँ भी आ जाएंगे। डोमिनेटिंग अदर्स, दूसरों पर कब्जा जमाना, और प्रपंचिक चीजों से जुड़े रहना, माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर, लॉस ऑफ मेमोरीज, फैक्ट्स एक्सपीरियंस, कि कुछ हुआ अनुभव वो भी याद नहीं है, मेमोरी याद नहीं रहती है, कुछ चीजें याद ही नहीं रहती है, और बुद्धि में भ्रमित रहती है, और इसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके ठीक कर सकते हैं, रीएस्टैब्लिश फिजिकल, जितना अपने फिजिकल से कनेक्शन करेंगे ना उतना ऊपर के चक्र बैलेंस होंगे। फिजिकल बॉडी को छोड़कर हम ऊपर चले जाएंगे तो ये ऐसा ही है कि हम तो सातवीं मंजिल पे चढ़ गए, नीचे ग्राउंड फ्लोर का पता ही नहीं क्या हो रहा है वहां, तो ऐसा नहीं है। हमें पूरा फुल्ली सिर से लेकर पैर तक पूरा बॉडी में प्रेजेंट रहना है, सीखते रहना है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को फॉलो करना है, मेडिटेशन करनी है, अपने बिलीफ सिस्टम को एग्जामिन करते रहना है, और साक्षी भाव से चीजों को देखना है, और हर एक चीज मुझे सिखाने के लिए है, और एफर्मेशन है आई एम गाइडेड बाय द हायर पावर। तो ये हम करके अभी इस सेशन को यहाँ पे क्लोज करेंगे। एक स्लाइड रह गई है, वो मैं शेयर करके इस सेशन को यहाँ पर क्लोज करती हूँ। तो हमें आई नो, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन, आई एम लाइट, आई अंडरस्टैंड, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स, आई ट्रस्ट द डिवाइन एनर्जीज, आई एम कंप्लीट एंड वन विद डिवाइन एनर्जीज। सबसे जरूरी बात जो सम अप करने के लिए मैंने रखी है, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी, इसे अपने स्वभाव में जियो। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आखिरी एक मिनट हम एफर्मेशन शास्त्रार की करेंगे, क्योंकि इसके लिए और कोई प्रैक्टिस नहीं है, आपको ध्यान से ही सब कुछ होगा। ऊपर के दोनों जो चक्र, आज्ञा चक्र और शास्त्रार चक्र है, इसमें आपको ध्यान चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, माइंडफुलनेस चाहिए, और अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना है, इसमें और कुछ करने लायक है नहीं। आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जुड़े, सबसे ले, सबसे ज्ञान हासिल करें, सबका सम्मान करें, लेकिन अपने अंदर की आवाज सुनें, जो मेरे भीतर है वही आपके भीतर है, वही सबके भीतर है। आंखें बंद कर लें, लास्ट वन मिनट सांसों के साथ रहें। आई एम a pure channel of universal energies. I radiate love. I am divinely protected. Divine energies are flowing through my body. I love my body. I love my divinity. I honor my divinity. I am complete in myself. I am a powerful soul. I am God. हम ब्रह्मास्मी। मैं अपनी दिव्यता का सम्मान करती हूँ, मैं अपने भीतर की दिव्यता से जुड़ती हूँ, मैं ब्रह्मांड की शक्तियों का सम्मान करती हूँ, और समर्पित भाव से अपने आप को अर्पित करती हूँ। मैं ब्रह्मांड की शक्तियों का धन्यवाद देती हूँ, वो मेरे माध्यम से कार्य कर रही है, उन्होंने मुझे चुना है। आई एम द चोजन वन फॉर द डिवाइन वर्क। आई एम अ लाइट वर्कर। आई रिस्पेक्ट एंड ऑनर माई सेल्फ।
लास्ट 10 सेकेंड्स, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें बंद रखते हुए अपने हाथों को खोल के अपने आप को एक जादू की जप्पी दे, अपने आप को एक जादू की जप्पी दे, प्यार से अपने आप को हक करें। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई डिविनिटी, आई ऑनर माई डिविनिटी, आई एम गॉड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।